भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली है। अब सुन लीजिए, नदी शब्द इसमें नहीं रहता, केवल द्वीप पूछता तो अंडमान निकोबार द्वीप होता ना जी। अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, बोले भारत का क्षेत्रफल वगैरह एक दिन लिखवाए थे, लिखाया है ना, लिखिए भारत का क्षेत्रफल, लिखिए, मालूम है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 263 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बोले लिखिए लिखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 नेशनल हाईवे 7 NH7 है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले खड़गपुर था, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है। अजायब घर यानी चिड़ियाघर। जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है। जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा अजायब घर यानी कि चिड़ियाघर है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है जी? कोलकाता में स्थित है। लिखिए अगला पॉइंट, औषधि अनुसंधान संस्थान मेडिसिन रिसर्च सेंटर आलमबाग लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान आलमबाग लखनऊ में स्थित है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोले जी लिखिए, गेहूं कमा देकर लिखिएगा, गन्ना
गेहूं, गन्ना और आलू का, गेहूं, गन्ना और आलू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, गेहूं, गन्ना और आलू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य, गेहूं, गन्ना और आलू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य यूपी है, यूपी है। हो गया जी, सुनिए थोड़ा क्वेश्चन कर दे कि प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब। छोड़ दें, लिखिए, लिखिए प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं का, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य, प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन जी? पंजाब है, भारतीय राज्य पंजाब है। हो गया, अब लिखिए, लिखिए हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, लेकिन हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। हो गया, नेक्स्ट लिखिए भारत में, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय बोलिए जी किसको है? भारत में हरित क्रांति किसने लाया था? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एस स्वामीनाथन को है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, बायो में पढ़े होंगे आप लोग। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एस स्वामीनाथन को है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एस स्वामीनाथन को है। लिखिए भारत में हरित क्रांति गेहूं के फसल में आई थी, भारत में हरित क्रांति गेहूं के फसल में आई थी, भारत में हरित क्रांति गेहूं के फसल में आई थी। हो गया जी, लेकिन भारत में विकसित होने वाला पहला हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड यानी संकर नस्ल, भारत में विकसित होने वाला पहला हाइब्रिड बीज, भारत में विकसित होने वाला पहला हाइब्रिड बीज, पहला हाइब्रिड बीज मैक्सिकन गेहूं बीज था, मैक्सिकन, भारत में विकसित होने वाला पहला हाइब्रिड बीज मैक्सिकन गेहूं बीज था, भारत में विकसित होने वाला पहला हाइब्रिड बीज मैक्सिकन गेहूं बीज था। हो गया, जल्दी लिखिए, लिखिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। लेकिन भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय, भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय वर्गीज कुरियन को है, वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय वर्गीज कुरियन को है, भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किससे है जी? वर्गीज कुरियन से है, यानी वर्गीज कुरियन नाम है, ये व्यक्ति भारत में श्वेत क्रांति लाए थे।
श्वेत क्रांति मतलब दूध का अधिक उत्पादन होना। नेक्स्ट लिखिए, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट बोले, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। लिखिए, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आगे लिखिए, पीली क्रांति का संबंध तेलहन उत्पादन से है। तेलहन उत्पादन।